फर्रुखाबाद में बीते दिनों एक ग्रामीण की मक्के के खेत में सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में मृतक के सगे भांजे और उसके साथी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। थाना क्षेत्र के ग्राम अजीजाबाद में 30 वर्षीय जगदीश की मक्के के खेत में 7 जुलाई को सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में मृतक के सगे 3 भाइयों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस पड़ताल कर रही थी, जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी विनीता उर्फ सोमवती का प्रेम प्रसंग उसके भांजे प्रमोद पुत्र बादल सिंह निवासी खुडनाखार के साथ बीते 2 वर्ष से चल रहा था। मामी के प्रेम में मामा जगदीश बाधा बन रहे थे, जिसके बाद मामी के प्रेम में पागलपन की सारी हद पार करने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार आरोपी भांजे प्रमोद ने अपने साथ मृतक के गांव के ही राम प्रकाश पुत्र वेद राम को भी शामिल कर लिया। राम प्रकाश के 10,000 रुपए जगदीश नहीं दे रहा था, जिससे वह भी उसकी योजना का हिस्सा बना। प्रमोद ने मामा की मौत की पटकथा लिख दी। प्यार और पागलपन के इस भूत ने उसे हैवान बना दिया और उसने अपने साथी राम प्रकाश के साथ मिलकर जगदीश की सिर सरिया और डंडे से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अनिल कुमार मिश्र ने घटना का पूरा खुलासा किया और इनकी टीम इन्होंने प्रयास किया और 3 दिन के भीतर ही इस घटना का खुलासा कर दिया। इसमें यह तथ्य पाया गया कि मृतक की पत्नी से अवैध संबंध उसके सगे भांजे के थे, प्रमोद जिसका नाम था। उसने रास्ते से हटाने के लिए इसकी योजना बनाई और इसका सहयोग इसके एक खुद के बटाईदार ने किया, जो कि प्रकाश नाम का है, जहां पर घटना स्थल उसके बगल के गांव का ही रहने वाला है और बराबर उसका आना जाना उनके परिवार में था, क्योंकि बटाईदार ही था। बटाईदार का कुछ पैसा तकरीबन 10,000 रुपए मृतक पर बकाया था और देने में कुछ हीला हवाली कर रहा था, वो भी उसे रास्ते से हटाना चाहता था। फिर इन दोनों ने मिल करके रात में इस घटना को अंजाम दिया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की ब्रेक कार्रवाई की जा रही है।